अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 4 ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। फिल्म आए दिन कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करती ही रहती है। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। यही वजह है कि इसी के साथ रिलीज हुई सांड की आंख और मेड इन चाइना हाउसफुल 4 की आंधी में कहीं गुम हो गई है। फिल्म ने 11 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर लगभग 178 करोड़ 18 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं अब लीजिए इसके 12वें दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट की माने तो हाउसफुल 4 ने 12वें दिन लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का अब तक का कलेक्शन 182 करोड़ 93 लाख रुपए हो गया है। इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। वैसे ये बॉक्स ऑफिस पर तो धूम मचा ही रही है, साथ ही इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। बता दें कि 2019 में अभी तक अक्षय की 3 फिल्में रिलीज हुई है और सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में हाउसफुल 4 खिलाड़ी कुमार की साल की दूसरी फिल्म बन गई है। जहां केसरी 154 करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर है, वहीं 182 करोड़ के साथ हाउसफुल 4 फिलहाल दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा मिशन मंगल 202 करोड़ रुपए के साथ फिलहाल सबसे आगे है। इतना नहीं, बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक्टर की एक ही साल में 3-3 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी हो। इस मामले में अक्षय के आगे कोई एक्टर नहीं है। हालांकि दीपिका पादुकोण साल 2013 में 400 करोड़ फिल्में दे चुकी हैं। बता दें कि हाउसफुल 4 को क्रिटिक्स ने नकार दिया था, लेकिन दर्शकों के प्यार ने इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। 80 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म अपना बजट काफी दिनों पहले ही पार कर चुकी है। वहीं अब खिलाड़ी कुमार इस फिल्म के जरिए जमकर प्रॉफिट कमा रहे हैं। बता दें कि फिल्म में अक्षय और कृति सनन के अलावा बॉबी देओल, रितेश देशमुख, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा भी लीड रोल्स में हैं। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म और कितने रिकॉर्ड अपने नाम करती है। वैसे आपको क्या लगता है, हाउसफुल 4 अक्षय के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हाउसफुल की महारानियां कितनी एक्साइटेड है आज। कौन क्या लाया खाने के लिए, वो ज्यादा जरूरी है। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्म प्रमोशन के लिए हम ऐसे दिल्ली जाएंगे, तो बॉबी जी अभी भी कुछ सोच रहे हैं कि मतलब आप क्या कुछ? अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं ट्रेन में जाने वाला हूँ, लेकिन अब आप ट्रेन में आ चुके हैं। लग नहीं रहा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं सच्ची में ट्रेन में हूँ। मैं ट्रेन में हूँ। अच्छा, एक हिल रहा है, ट्रेन हिल रहा है। हाँ, मैं ट्रेन में हूँ। एंड रितेश जी, तो सवाल यही था कि हाउसफुल 4 का ट्रेलर आ चुका है एंड गाने, जैसा कि बात हुई कि वाला गाना लोग बहुत ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप बताइए कि क्या कुछ फील करते हैं फिल्म आने से पहले? जब हमने देखा ट्रेलर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड गाना भी लोगों को बहुत पसंद नहीं, क्या होता है कि एक मोमेंटम बनता है जब एक प्रोमो हम बाहर लोगों के पास लेके जाते हैं, लोग उसे पसंद करते सराहते, और उसके बाद एक और गाना, दूसरा आई थिंक इट वॉज ग्रेट कि अक्षय जी ने एक गाने का स्टेप कर लिया, वो इतना वायरल हो गया है कि हर जगह लोग खुद स्टेप करके पोस्ट कर रहे, सो दैट शोज कि कितनी एक्साइटमेंट लोगों में है। वी आर हैप्पी दैट तो मेरी एक खुद किस्मत ही है कि अक्षय जी के साथ ये मेरी 5वीं फिल्म है। आई लव अक्षय जी। कुछ जैसा कि सब यहाँ पर हर किसी कोई ने घर से कुछ ना कुछ लाए हैं खाने के लिए, आप भी कुछ लाए हैं? मैं खुद को लेकर आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है जब से मैं आया हूँ, मेरा कोई कुछ खाने को दो। मैंने 2 बिस्किट उठा लिए, मखाना खा लिया मैंने, तो कृति मेरे को कुछ जो डब्बा है वो गिरा भी दिया है। इन्होंने गिरा है,
इन्होंने गिराया नहीं, लूट रहा है, लूट रहा है। नहीं नहीं, मुझे बहुत भूख लगी, अगर आपके कुछ डब्बे हो तो आप दे दीजिए। हां डब्बे तो आप दीजिए, दे दो दे दो। अक्षय सर, काफी जंग जो है काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, अगर बाला की बात हो, द बाला चैलेंज हो, या फिर का शैतान का वो भी काफी वो सेम गाना ट्रेंडिंग चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उस रिस्पांस को देखकर जो भी सोशल मीडिया पर मिल रहा है और चारों तरफ लोग वीडियोस बना रहे हैं, हमने भी बनाया था अभी जस्ट बाहर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा है, अच्छी बात है, मतलब अभी मैं हाल ही में एक और वीडियो इनको दिखा रहा था कि देयर इज दिस गाय जो 20-22 साल से ही इज ऑन आपके करियर में बहुत कम टाइम होता है कोई ऐसा गाना मिल जाता है जो वायरल हो जाता है, जैसे मुझे याद है तू चीज बड़ी मस्मस हुआ था, फिर चुरा के दिल मेरा, तो ऐसे कई कुछ गाने मिल जाते हैं आपको जो कि सही जाके बैठ जाता है। जी, जैसे कि ट्रेलर में सर हमने देखा कि पुनर्जन्म की कहानी, तो आप पर्सनली कितना बिलीव करते हैं? मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा पहला जन्म है और मेरे अगले जन्म में मैं अक्षय कुमार बनूंगा। जरूर हर कोई बनना चाहता है अक्षय कुमार। अरे मैं, तू दूसरा जन्म ले अगले, तू कुछ और बन, तू रितेश देशमुख बदरी वाट लग जाएगी, तू चंकी बन। सो अक्षय सर, जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या जैसा कि आपने बताया गेम्स खेलने वाले हैं काफी, क्या कुछ होने वाला है, कुछ बताएं आप? पता नहीं, कुछ भी खेलेंगे यार, हाउसी खेल लेंगे, अंताक्षरी खेल लेंगे, जो मर्जी है खेलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मीडिया और हमारे साथ अंताक्षरी का बैटल हो जाए तो नहीं नहीं दम शरारत खेलते मीडिया के साथ, कैमरे के सामने जितनी एक्टिंग हम करते ये भी तो करते हैं ना, सवाल अंताक्षरी अक्षय सर ने बोल दिया, क्योंकि डम शराज करने के बाद हम खुद को एक्सपोज नहीं करना। बॉबी सर अगर बात कीजिए, आप काफी इंटेंस लगा जा रहे हैं, यहाँ पिकनिक सब सेलिब्रेट कर रहे हैं आप काफी, नहीं है कि आज सुबह में 4 बजे उठना पड़ा। एक हमारे हैं दोस्त अच्छे भैया, जो बोल जो हमें बुला कर खुद लेट आए, तो इनकी नींद शायद पूरी ना हुई हो, लेकिन इनको आदत है कम सोने की। ये आप बॉबी जी बहुत खुश है, फर्क है कि इनकी अंदरूनी खुशी। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, 14 घंटे बचे हैं। जैसे कि ट्रेन में प्रमोशन हो रहा है, तो बचपन की कुछ रिलेटेड ट्रेन से रिलेटेड कोई मेमोरी आप शेयर कर पाए जो काफी इंटरेस्टिंग था? चंबल चंबल के डाकू की बहुत अच्छी कहानी है, तू सुना? अब तू बोला है ना, अभी उसने प्रश्न मुझसे पूछा, तुम लोगों ने बोला, अब तू सुना। मैं आपकी कहानी, मैं अक्षय कुमार ₹250 की शॉपिंग फैमिली की थी, पापा ने पैसे दिए थे, तो ये ट्रेन में बैठे थे, फिर क्या हुआ रात को 12 बजे डाकू लोग, चंबल से गाड़ी होती थी ये जो स्कूल में ऐसे होता है ना, ऐसे बोल रहे हो। हाँ, तो वो लोग घुसे और उन्होंने सबका बैगेज बाहर थ्रो करना शुरू कर दिया, और उस टाइम पे इतनी अकल थी कि चिल्लाए नहीं, और वरना चुपचाप बैठे रहे और इनके सामने इनका सामान भी बाहर फेंक दिया, और मैं उस दिन लूटा गया। अगर बात की जाए तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, अभी तक इंडस्ट्री में बॉलीवुड में इतनी एनर्जी के साथ जितना शैतान जिस तरह आपने शैतान का शाला जिसमें एक्ट किया हुआ है, अपने बाला का जो परफॉर्मेंस आज तक किसी ने इतनी एनर्जी के साथ नहीं किया, सो कुछ कहना चाहेंगे इस तरह हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपको? ऐसा है, देखिए इतना बड़ा चेक जो
मुझे मिला है वो आपको मिला, आपके भी अंदर से सब निकलेगा आपका सारा शैतान जो है बाहर आएगा।